सबसे पहले तो आप सबको नए साल की शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की शुरुआत एक पेंटिंग एग्जीबिशन कला को प्रोत्साहन देने से शुरू हो रही है, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। जब ये डेट तय हुई थी 2 जनवरी की, इस 2 जनवरी को इस पेंटिंग एग्जीबिशन का मैं ओपनिंग करूँ, तो बहुत सारे लॉजिस्टिक्स को मुझे इधर उधर करना पड़ा। पर मैं चाहता था कि नए साल की शुरुआत कला आर्ट से ही हो। तो पेंटिंग एक ऐसी कला है जो मैं सिर्फ एडमायर कर सकता हूँ, सराह सकता हूँ, देख सकता हूँ, अप्रिशिएट कर सकता हूँ, लेकिन कर नहीं सकता। बहुत सारे कलाकार हैं फिल्मों में, सलमान खान बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, सोनाक्षी मैंने सुना बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो पेंटिंग करते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि काश मैं भी पेंटिंग कर सकता, पर मैं नहीं। इतनी सुंदर पेंटिंग्स नीलम चोपड़ा प्रसाद, इनकी ये देखकर आज सुबह सुबह बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। ढेरों शुभकामनाएं, और बढ़िया काम करें और सक्सेस हासिल करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू। इमोशनल हो गए जी। बहुत बार कोशिश की मैंने, एंड पेंटिंग करने की भी कोशिश की, ड्राइंग की भी कोशिश की, यू नो, प्राइमरी स्कूल में और हायर सेकेंडरी स्कूल में पेंटिंग की क्लासेस भी थी हमारी, जो कंपल्सरी थी कि आपको करना होता है। बहुत कोशिश की, कोशिश करने के बाद पहले टीचर को समझ में आ गया, बाद में मुझे समझ में आ गया कि मैं नहीं मेरे टीचर ने कहा कि आप एक्टिंग की तरफ ही ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये जाने दीजिए। अरे मुझे जो प्रसाद जी ने देखा, आपने पेंटिंग देखी हुई, ज़्यादातर वो नेचर से प्रभावित है एक्टिंग, तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ खास लगी उनकी, और कोई ऐसी जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगी? गौतम बुद्धा जी की पेंटिंग्स इन डिफरेंट नेचर, फ्लावर्स, ऑफकोर्स यू नो, जो पियानो के साथ तस्वीर है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तस्वीर। सो देर इज़ अ वेरी वेरी, सबसे बड़ी चीज़ इन पेंटिंग्स की है, बहुत वाइब्रेंट है, बहुत यू नो कलरफुल एनर्जी है इनके, और प्लीजिंग है। मतलब आप अगर अपने घर में लगी हो, उठें, देखें, तो आपको एक बड़ी प्लेजेंट कलरफुल एनर्जी की फीलिंग आती है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा इन पेंटिंग्स में। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि गौतम बुद्ध जी की जो अलग अलग तरह की पेंटिंग है, और जैसे मड का घर भी है, फ्लावर्स भी हैं, पीकॉक भी है, पियानो की तस्वीर भी है, राधा कृष्ण की तस्वीर भी है, तो अलग अलग तरह की जो कला की इन्होंने अभिव्यक्ति की है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स, बट द एनर्जी एंड द कलर्स एंड वाइब्रेंट फीलिंग जो है वो बहुत ही यू नो अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। नया साल है एक्चुअली, और नए साल में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आप एक इनॉग्रेशन होता आपके हाथों से, शुभकामना जाता है, कितना अच्छा भी फील करते हैं कि समवन इज कॉलिंग यू फॉर दैट एंड कुछ शुरुआत करने जा रहा है। मैं कलाकार हूँ, कला की आराधना करता हूँ, कला का सम्मान करता हूँ, दिल से करता हूँ, और जब भी कोई कला से संबंधित कोई प्रयास किया जाता है, मैं हर तरह से कोशिश करता हूँ कि आगे बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लूँ, उसमें पार्टिसिपेट करूँ, और ये नए साल में इस वाइब्रेंट एनर्जी वाली पेंटिंग्स कला को लोगों तक पहुँचाने का जो प्रयास था, उसमें मैंने क्या कहते हैं कि कमिट किया, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पर एक ऐसी एग्जीबिशन को, जिसमें कलाकार इतने इमोशनल भी हैं, रोने भी लगते हैं उनकी बेटी जो है और कलाकार ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि एक्सपीरियंस हैं, जिन्होंने अपने कंट्रोल में है इमोशंस, इस सब के साथ जुड़कर बहुत अच्छा, धन्यवाद। वो आप कलाकारों से पूछे, उनकी मदद मैं उनसे बात करूंगा। व्हाट आर योर बेस्ट विशेस टू
कलाकारों के लिए आपको क्या शुभकामनाएं दोगे इस अवसर पर? इस अवसर पर मैं न सिर्फ इन दोनों चित्रकार पेंटिंग करने वाले कलाकारों को शुभकामनाएं दूंगा, इनके परिवार को भी, इससे जुड़े सभी लोगों को, सभी सदस्यों को। खास तौर पर जब कलाकार कुछ क्रिएट कर रहा होता है तो फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। उस समय फैमिली का पार्टिसिपेशन चाहे साइलेंट हो लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट होता है, तो ही चीज़ निकल कर आती है। तो उन सबको ढेरों शुभकामनाएं, बधाई एंड विशिंग देम मोर सक्सेस इन फ्यूचर। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन पक्का, आपका बेटा भी जैसे एनिमेशन में, तो आपका क्रिएटिविटी इसमें कितना रुचि है? ऐसा है जी, मैं तो चाहता हूँ कि जो जो मैं नहीं कर सकता मेरा बेटा वो सब कर दिखाए, क्योंकि ना तो मैं पेंटिंग कर सकता हूँ, मैं सिर्फ सराह सकता हूँ, ना मैं दूसरे बहुत सारे क्षेत्र हैं आर्ट के जिनमें मैं कमज़ोर हूँ। तो मैं तो यही चाहूँगा कि मेरा बेटा संजय जिन जिन क्षेत्र आर्ट के क्षेत्र में मैं कमज़ोर हूँ उन्हें और अच्छे तरह से कर दिखाए। हाँ जी, भगवान की कृपा से पिछला साल बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। मेरी फिल्म बैडमैन, जो कि इंडिया की फर्स्ट मॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म, इंडिया की फर्स्ट ओरिजिनल फीचर फिल्म फॉर द डिजिटल वेब ऑडियंस, इंडिया की पहली फिल्म जो किसी खलनायक के पॉपुलर कैरेक्टर के नाम से बनी है, बैडमैन पिक्चर का नाम, उसी खलनायक को उस फिल्म में हीरो लिया गया है। एक ऐसा स्टूडियो वायाकॉम 18 और वूट जो अपनी प्रोडक्ट्स ना सिर्फ अच्छी तरह से बनाते हैं बल्कि बहुत प्राउडली उन्हें लोगों तक पहुंचाते हैं। एक ऐसा डायरेक्टर डायरेक्टर शौमिक सैन, जिन्होंने माधुरी दीक्षित और जूही चावला के साथ गुलाब गैंग फिल्म बनाई। फिल्म में राइटर अनुभव पाल, जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं, राइटर भी हैं। विशाल शेखर का म्यूजिक। फिल्म में बहुत सारे कलाकार, ऋषि कपूर, जैकी श्रॉफ, चंकी पांडे, फारा खान, मनीषा कोराला, महेश भट्ट, सुजीत सरकार, सुजोय घोष, बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म में अभिनय किया। तो मैं पिछले साल में हुए इस प्रयास से लेकर बहुत खुश हूँ। फिल्म बैडमैन सैन फ्रांसिस्को फिल्म फेस्टिवल में मुझे बेस्ट एक्टर से सम्मानित किया गया। फिल्म बैडमैन इस साल की वैंकूवर इंटरनेशनल फिल्म की ओपनिंग फिल्म थी, जहां पर कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर, कनाडा के फाइनेंस मिनिस्टर, कनाडा की जस्टिस मिनिस्टर, काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया, काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये सभी लोगों ने न सिर्फ फिल्म को देखा, फिल्म को बहुत अप्रिशिएट किया। तो मेरे लिए तो ये साल बहुत बढ़िया रहा पीछे वाला। इस साल की शुरुआत एक नई फिल्म है, पिक्चर का नाम है बहन होगी तेरी। फिल्म का नाम है बहन होगी तेरी। जी, इस फिल्म में राजकुमार राव, श्रुति हसन और मैं हूँ। इस फिल्म को बना रहे हैं टोनी, जिन्होंने फिल्म ब्लू बनाई थी, जिन्होंने फिल्म अजहर की ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री, अजहर की बायोग्राफी पे आधारित जो फिल्म बनी थी अजहरुद्दीन, वो बनाई थी, वो इस फिल्म को बना रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग चल रही है और ये जो आप मेरी मुँह से देख रहे हैं उसी फिल्म से संबंधित है। नमस्कार, धन्यवाद। इनका एग्जीबिशन है वो नेचर से रिलेटेड है और मेरा और नेचर का बहुत रिश्ता है पहले से। जैसे कि मेरा जो पहले स्पेन में एग्जीबिशन हुआ है उसमें मैंने सब आदिवासी लोगों को एकदम जोर से, मीन्स बोलते ना, एकदम दिल से उनको देखा है और जाना है, इसलिए पहला एग्जीबिशन उनके साथ मैंने किया, उनको पकड़ के उनका सब स्केचिंग करके। अभी ये मेरा दूसरा एग्जीबिशन है जो मैंने वो कैनवास में उतारा है। आपके जो सब पेंटिंग्स में ज़्यादा देखा जाए कि क्या मतलब नेचर से बहुत प्यार कहीं ना कहीं दिखा है, करेक्ट, तो उसके बारे में कुछ कहते हैं? फूल ऐसा एक चीज़ है कि वो सबको प्यारी है, जैसे कि रोज हम भगवान को अर्पण करते हैं या लोटस, ज़्यादा से ज़्यादा वो भगवान और वो लोटस का क्या बोलते हैं वो एक रिश्ता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैंने लोटस का थीम लिया है इसमें और थोड़े मेरे मन के कलर उसमें डाला है। जो मेरा सोच था कि नेचर को पकड़ के रियलिस्टिक कलर और मेरे सोच के कलर।
समाचार वही नेचुरल कलर्स या ऐसा कुछ यूज़ किया गया? नहीं 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 सब फ्रेंडली, हाँ सब इको फ्रेंडली कलर नहीं है, लेकिन उसमें सब एक्रेलिक कलर मीडियम है और ऑयल कलर मीडियम है। आप बहुत सारे प्राइज भी जीते हैं, हाँ। एक्चुअली मैंने अभी जस्ट जॉब छोड़ा है, मैंने स्कूल 1995 से ज्वाइन किया था और 2008 तक था ACC बोर्ड में, देन 2009 टू अभी जस्ट 2016 में इंटरनेशनल जॉब छोड़ दिया मैंने। उसके बाद बस ओनली माय क्रिएटिव ड्राइंग एंड पेंटिंग क्लासेस से मैं सब बॉम्बे में क्लासेस लेता हूँ और अपना ये पेंटिंग्स करता हूँ। सर, हर आर्टिस्ट का कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है, आपकी ज़िंदगी में कौन इंस्पिरेशन? माय फैमिली। हाँ, आपने ज़्यादातर जो नेचर को ही किया, तो दैट इज योर मेन हाईलाइट पॉइंट है एक्चुअली। आप मतलब थोड़ा एग्जीबिशन है किस तरह का? आपकी सेकेंड एग्जीबिशन है बस, आपने ज़्यादातर जो नेचर से इंस्पायर्ड हो, दैट इज योर वेरी पॉजिटिव क्वालिटी अबाउट नेचर। और योगा को और ज़्यादा भी आगे हम देखने मिलेगा किस तरह के पेंटिंग आगे देखने मिलेगा? आगे का भी मेरा जो है नेचर रीडिफाइंड जो एग्जीबिशन है सेकेंड वन, वो नेहरू गैलरी में है और उसमें भी सब वाटर कलर का इफेक्ट दिया है मैंने, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं नेचर में घूमता हूँ, आदिवासी लोगों के साथ घूमता हूँ, उनके साथ रहता हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा नेचर से लगाव है, इसलिए मैंने ये नेचर में नेचर का थीम मैंने फाइनल किया। और आर्टिस्ट की बात करते, बहुत से आर्टिस्ट हैं, क्या लगता है कॉम्पिटिशन भी काफ़ी होता है या फिर ओवरऑल किस तरह से देखते हो? एक्चुअली जैसे हर एक आर्टिस्ट की थीम सोच कॉम्बिनेशन अलग होता है, और जब भी आर्टिस्ट का एक मूड बनता है तभी वो पेंटिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। जैसे कि माई सेल्फ, मेरा तो सब खाना खाने के बाद रात को मैं गाना लगाता हूँ और मेरा पेंटिंग चालू होता है, मॉर्निंग कब होती है मुझे पता नहीं चलता ऐसे। और आप जब किस तरह की क्लासेस भी लेते हो, कितना वक्त देते हो एक्चुअली पेंटिंग? हाँ, मेरा तो बॉम्बे का लाइफ ऐसे है कि मैं मॉर्निंग 7 to 9 टोटल मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, प्लस मेरे साथ कैनवास पेंटिंग के इंटरेस्टेड बड़े लोग भी हैं जो काम वर्क करते हैं घर पे, और उनको मैं मॉर्निंग सेक्शन में उनको कैनवास पेंटिंग के क्लासेस लेता हूँ। इस शॉप के साथ साथ प्रोफेशनल लाइक जैसे बिजनेस वाइज भी हम थोड़ा बहुत बात करें, डेफिनेटली एक यूनिटी भी होती है, वो ऐसे किस तरह से भी देखते हो एक्चुअली? शॉप तो है योर लव फॉर आर्ट, बट जैसे हमें रोजी रोटी भी तो चाहिए रहती है ना, करेक्ट, इसको उस एंगल में और दोनों को अगर मिलाया तो किस तरह से देखते हो एक्चुअली आर्ट प्लस आपका एक प्रोफेशनलिज्म में बिजनेस वाइज अगर देखना चाहो? वैसे देखा जाए तो जो क्लास होता है क्लासेस से मुझे अर्न होता है, उसके साथ उसका जो भी है अमाउंट उसमें से मैं कुछ अपने पेंटिंग के लिए लगाता हूँ। इसके साथ साथ कुछ सोशल कॉज, जैसे आपने कहा आदिवासी, तो कुछ सोशल कॉज से भी जुड़कर पेंटिंग होती है या फिर उसका आपने कुछ सोचा है कि सोशल वे में भी ऑल्सो? हाँ, आप किस तरह से इसका जो भी राशि होती होगी ऐसे कोई प्लानिंग है या कोई आपके ध्यान में है कि भाई ये अमाउंट है तो मैं इस तरह से कुछ सोशल वर्क करूँगा इस तरह से कुछ? या जो लोग ऐसे हैं जिनको शौक बहुत होता है लेकिन वो अगर शायद उनको किस तरह से बढ़ाव देते हैं नए यंग आर्टिस्ट लोग हैं? हाँ, जैसे कि मेरे सर अभी दो स्टूडेंट्स हैं मेरे जो अभी नेक्स्ट एग्जीबिशन में उनका भी काम रहा, और इनका है कैथरीन फर्नांडिस, ये काफ़ी 3 साल से मेरे साथ स्टूडियो में काम भी करते हैं और पेंटिंग भी करते हैं, अभी ये नया आर्टिस्ट है उनके अभी एग्जीबिशंस होने वाले हैं मेरे साथ। सर के बारे में एक लाइन आप कहोगे, क्या है आपका नाम लीजिए और आप बताइए मुझे किस तरह आप सीख रहे हैं पेंटिंग से और सर की क्या? एंड गॉट इंस्पायर्ड टू द वे ही टीचर्स, सो वी हैव डिसाइडेड टू गो वे फर्दर विद हिम एंड नेचर, लाइक व्हाट वाज जस्ट सीन एंड नॉट सीन, आई वाज मोर इनटू ह्यूमन सो आई हैव बीन पुटिंग माय ऑल एफर्ट ऑन ह्यूमन पेंटिंग, that's what that inspiration for me. And we I think started this organization Artisana, so that's reason how Artisana has come today into place. And I think my husband and me, we both and sir, we founded this company. We started learning canvas painting. I mean, we started initially by simple drawings and paintings, and now we can proudly say we have somehow come a long way and we have started painting on canvases thanks to him.
it was our childhood dream. Even I think Anilam will agree to that. Since childhood, we wanted to, you know, get into painting and all, but never had the opportunity. So somehow, I don't know, we came across sir and we got into painting, and now it's become our passion. So, and we wish all the best to him. And one last question to you: what is, there are, we can say that painting got different. That canvas painting, what is the difference? Maybe I think so there are. एक्चुअली कैनवास पेंट कैनवास जो होता है वो बहुत काफ़ी समय तक टिकता है, मीन्स वो ख़राब नहीं होता है जल्दी और थोड़ा कॉस्टली भी होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कैनवास पेंटिंग लोग करते हैं, प्रिफेयर करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा कुछ ये एम नहीं है कि कैनवास पेंटिंग में ही काम करूँ, मैं हर मीडियम में और हर इसमें, जैसे कि कैनवास है, वाटर कलर पेपर है और कुछ टेक्सचर पेपर है, हर मीडियम में और हर टेक्सचर में मैं काम करता हूँ।